इट्स कनाडा मेरे इट्स कनाडा काम यहाँ पे रुकते नहीं है, काम सब चलते हैं क्योंकि आप देखें हाईवे क्लीन है, हाईवे पे कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ जो इशू होते हैं जो स्ट्रीट छोटी स्ट्रीट्स पे होते हैं और इस तरह होते हैं और अनलेस के बहुत ज़्यादा हैवी स्नो तो फिर हाईवे, जैसे पिछला जो स्टॉर्म था बहुत बड़ा था उसमें फिर हाईवे सब ब्लॉक हो गए, स्टक हो गए, गाड़ियाँ फंस गई। अभी भी ये देखें कि नज़र दूर तक आना थोड़ा इसमें नहीं पता चला, लेकिन नज़र नहीं आता इतना कि ये क्योंकि धुंध है पौधे के ऊपर कहीं सही हो जाता, कहीं आके बिल्कुल वाइट आउट हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता। ये देखें साइडों पे पूरा वाइट आउट हुआ हुआ स्नो, हमने निकलने से पहले चेक करना चाहिए था। एप्पल खाओ वेदर चेक। देखें मैं हेल्दी ईटिंग के सबूत ये है कि मैं अपना एप्पल साथ लेके आई हूँ ताकि लेकिन और वो जहद खा गए दो फाड़ियाँ बची तो चले ऐसे ही हमने कहा आज आपको भी घुमाते हैं। लेकिन जब भी ट्रिप पे जाएं तो अगर आप क्लीन ईट करने की कोशिश करें तो अपने स्नैक्स साथ लेके जाएं, और साथ लेके जाएंगे तो सही होगा कि आप बाहर एप्पल स्नैक्स में आएगा और स्नैक्स में तो नहीं आता है। मेनू तो चंगा भला नजर आ रहा है, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा, तो बस गाड़ी है, बस ये करीब करीब वाली नजर आ रही है और तो कुछ भी नहीं। तेरी आंखें जीरो हो गई हैं, मैं तो हैरान हूं इतनी यंग एज दे विच मैं तो सब नजर आ रहा है। ये देखें नॉर्थ में आज हम लोग आए हुए हैं, वहां पे देखें कैसा हशर हो रहा है, दूर दूर तक कुछ नजर, अब तो नजर ही नहीं आ रहा, रुक जाए इसका रीजन ये है कि इसके इधर कोई वो है नहीं, वो हवा सारी यहाँ जला दी है मैंने, वो सारी स्नो को लेके इसको उड़ा के साइडों पे देखा कुछ नहीं, ये स्नो पड़ नहीं रही, ये उड़ के आ रही है। चले अब ठीक हो गया, इसके कोई पैचेस होते हैं जहाँ ये सब जहाँ ज़्यादा आती, हाँ उठो जाके लाला। तो हमने यहाँ पे स्टॉप किया है, स्टॉप किया था हाईवेज पे ना, तो वहाँ पे हमने स्टॉप किया चाय के लिए और चाय पियेंगे और फिर चलेंगे खाना, क्योंकि आज घर में कुछ बनाया नहीं। मेरा तो मील तैयार है, जैद और सना ने क्या खाना है मेरे ख्याल ये लोग डिसाइड करें शवरमा खाने के लिए, तो ये लोग खाएंगे शवरमा, मैं खाऊंगी अपना क्या कहते हैं मील, क्योंकि मील देखे मैंने बनाया हुआ है ना। चलो यहाँ तो उतार सकते हैं, सिटिंग एरिया अब तो खुल गया, तो मैं तो अपना जाके मील खाऊंगी क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी की है सुबह, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप अच्छा अच्छा खाएँ, फालतू चीज़ें ना खाएँ। तो मैं तो अपना जाऊँगी घर जाके अपना मील खाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि क्या खा रही हूँ आज। आज मेरे का चिकन का है वो बनाया जो मैंने, चिकन स्टेक, वो खाऊंगी आज आपके साथ। जैद आ रहे हैं, देखें अपने लिए बेगल लाए कि वो आज तो बहुत दिनों बाद आपने खाया ये पिए। आज तो बहुत दिनों के बाद जैद को बेगल मिला है क्योंकि हर कोई आजकल हमारे घर में साथ खाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से। मैंने कहा चल हूं तुम्हें दूसरे एक पीस खा रही है, नहीं 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 कल्ला मैं हूं एक खावा, नहीं आप आपको भी मैंने कहा था जब शवरमा लेना है तो फिर आप, वो तो है ही नहीं, है नहीं अब जहां होगा जब भी आ जाओ, तो उसको पहले तो फिर इधर दो बार तो खा दो बेगल में कुछ नहीं होगा, चले खा लो वो जब मिलेंगे जब भी बात है ना। चला जाए बिस्मिल्लाह, थोड़ा पीस खा लो आप। नहीं नहीं नहीं
ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ ਕੁਆਰਟਰ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਮ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਰੇ ਵੀ ਤੋ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਆਤੇ ਬਹੁਤ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਆਤੇ ਥੇ ਅਬ ਤੋ ਖੈਰ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਗਿਰ ਕੇ ਗਿਰੇਂਗੇ ਕਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪੇ नहीं ऐसे भी नहीं है लेकिन असल चीज तो कितना कोई मिस नहीं करते थे जो बताने वाली बात बताओ राइट गिर गई उसको पहले हाईलाइट कर दो काम का मेरे कंट्री को इसको बदनाम कर दो अब आपका ये कंट्री होगा कोई बड़े ही ताली के बैंगर को मैं जहाँ होता हूँ वही कंट्री है बस ये है कि नहीं है ये चीज तो बड़ू ने कहा की जहाँ खैर आप देखें डिफरेंस एकदम से वेदर कितना साफ हो गया है कितना खराब था पीछे अब साफ हो गया तो ये तो चलता रहता है यहाँ के वेदर का लेकिन ये है कि अगर आपके पास अभी भी फैमिली है तो जरूर जाएं ये बहुत अच्छे पासेज होते हैं मतलब पूरा डे आप आराम से वीकेंड अपना स्पेंड कर सकते हैं वंडरलैंड में हाँ, लेकिन अभी तो बंद अब तो घर बंद है सर्दियों में लेकिन समर में मेरे ख्याल इस दफा आएंगे हम भी चक्कर एक दफा लगा बच्चे जिनके उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी बहुत छोटे भी राइडें हर टाइप के हैं छोटे के लिए भी बड़ों के लिए भी कभी बंदा बोर हो जाता सारा दिन घर 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 सुनो मैं बाहर जा ना सकूं अगर बाहर जाओ और आज की बहुत ज़बरदस्त जो खबर है सब दुनिया में फैल चुकी है मेरे जो लोग हैं मुझे हमें देखने वाले उनको भी शेयर करूं उनको बहुतों का पता होगा स्विस बैंकों में आपको पता है जितने करप्ट जो अपने मुल्कों की सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं अपने मुल्कों का पैसा लूट के वो रखते कहाँ स्विस बैंकों में उसकी इन्वेस्टिगेशन में एक इदारा जो भी है उन्होंने जिस तरह किया कि वो अब पब्लिक होने लगा है उसमें अब पता चलेगा कि किसके कितने ये जो लोग कहते रहते हैं मेरा नहीं हमारे पाकिस्तान से बहुत से लीडर कहते हैं हमारा तो एक पैसा भी नहीं हमने तो भेजा ही नहीं हमने कुछ भी नहीं किया करप्शन नहीं की कोई पता नहीं हमारे लोगों का भी बहुत पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों का नाम उसमें आएगा ये नहीं कि पॉलिटिशियन ही दूसरे भी लोग जो पैसे वाले जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ब्लैक तरीके से पैसा भेजते हैं जो ये मिडिल ईस्ट के थ्रू जाके पैसा वहाँ से ये जैसे अकामा कर लेते हैं इसका ये अकामा भी इसकी एक किस्म है जो मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी पाकिस्तानी उसके पास अगर अकामा है दुबई का इन मिडिल ईस्ट का किसी का तो वो जब सऊदी उसमें पैसा भेजता स्विट्जरलैंड में तो पाकिस्तान कोई पूछ नहीं सकता उसको ये मतलब एक किस्म का वो लीगल काम कर रहे हैं लेकिन अब नाम उनका आएगा पता तो लगे ना किन किन अकामे वालों ने पैसे बाहर भेजे और बहुत ही बड़ी खबर है अब नाम आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे देखते हैं पाकिस्तान के किन किन लोगों का नाम आता है यूक्रेन का एक पूरी फैमिली पता नहीं 17 अरब डॉलर आसवा 17 अरब डॉलर बिलियंस में मुझे नहीं कहना भी नहीं आएगा वो उनके फैमिलीज का उसका वहाँ उनका नाम आ भी गया जो उनका प्रेसिडेंट है ना किसका यार मैं किसका नाम लिया था अभी कजाकिस्तान पता नहीं किसका था या यूक्रेन था किसका नाम लिया मैंने बरा वो अभी नाम मैं भूल गया हूँ ऐसा मिक्स ना हो जाए लेकिन इतना पैसा उनका तो लोग ये करते हैं आसान तरीका स्विट्जरलैंड ने अच्छा उन्होंने किया वो आओ पैसे हमारी बैंकों में जमा कराओ हम बताएंगे नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे बैंकिंग अपने उसके हिसाब से लेकिन फिर स्विट को ये भी तो चाहिए जब पैसा आए तो उसका उसकी लीगलिटी भी पूछे कि ये ब्लैक मनी तो नहीं है चोरी का तो नहीं है ये यहाँ हमारे बैंक में जो ला रहे हो यहाँ कि ये इसकी सोर्स बताओ कहाँ से तुमने लिया ना मौज लगी हुई उनकी तो ये बहुत बड़ी खबर है आज शाम तक नाम आएंगे पता लग जाएगा मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ ये देखनी है कि पाकिस्तान से कितने लोगों का नाम आता है और किन लोगों का आता है जो खास चीज है हमारी दिलचस्पी की और नाल ही मैनू अपनी भी फिक्र होगी कि मैं क्या मेरा नाना कितने आ जाए चैटर का नाना आ जाएगा क्योंकि मैं तेन पता मनी लॉन्ड्रिंग मैं भी बहुत करना इधरों में जितने ही आए उस वेले मैं ट्रांसफर करना तेरे वालों ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है अर्न कौन कोई करे तो उसका इस्तेमाल कोई करे तो बहुत ही जबरदस्त खबर है भाई लेकिन तू जाहिर आठ दिन में तेन ये नहीं पता लगना समझ आनी कि कितनी बड़ी गल है मैं स्ट्रेस के बच्चे तो फिर उदो मेरा ना चॉकलेट ले या कुल्फी खाने दिल करता फिर तो रिकॉर्ड ना कर मैं तेन पता उदा हर किस्म के मिठे मेरे बंद किए थोड़े आइसक्रीम के इन्होंने बच्चों के डब्बे उन्होंने हाथ नहीं लगा देख तीन डब्बे पे आइसक्रीम बड़े नहीं हाथ नहीं लगा मैं चम्मच ना कड़ा बिचो सीधा
ला के रख देते हैं, फिर बंदा दूसरे को खाम खा का वो होती है कि मैं थोड़ा खा लूँ। अब ये देखा नहीं, थोड़ा वैसे ही सुस्त हो जाए। मैच देखा, मैच का मज़ा ही नहीं आया। वो इन्ना लो स्कोरिंग मैच होया मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का। साड़ी तो दिलचस्पी भाई मैच अच्छा हो, जरा अच्छा खेले जितते, लेकिन लो स्कोरिंग फिर टुक टुक ही देखने की है। वो तो अभी फिर आप ही घर ना बल्ले लैके खेलना शुरू कर दिए। बिल्कुल मज़ा नहीं आया मैच का, लेकिन बहरहाल मुल्तान सुल्तान जीती। अज भी 9-10 मैचों चो 9 जीती है, सिर्फ एक हारी है, या 9 चो एक हारी है 8, इस तरह मेरे ख्याल 10 चो 9 जीती एक हारी। सो मुल्तान सुल्तान बहुत ही अच्छी जा रही है, अब देखो क्या होता है। कहाँ पे हो रहे हैं, पाकिस्तान में? हाँ, प्ले ऑफ अब शुरू होने लगे। दुबई में शक आज वाला प्ले ऑफ ही था मुझे, मेरा ख्याल है। दुबई में? पाकिस्तान में? पाकिस्तान दुबई कितों? कभी मेरा दिल करता कि मैं अजे भी टाइम हैगा वा जावा जाके बोल चल चल जावा की चल तुम्हें चल, पर तेरा सच का चेता रखिए परसों तेरा अपॉइंटमेंट है, तेरे अपॉइंटमेंट है नहीं तो जाके PSL देख दे चक्कर ला के, और अपने घर में भी देखे कि अपनी थान पर खड़ा वा अजे देख के वापस आए दे। हाँ सही बात है, डॉग वॉश एट होम करीब से उसकी पलके भी नहीं काटनी होती। मैं तो मैं दुकान खोलने लगा पेट्स ग्रूमिंग सेंटर, देखा चल तेरी मुछा भी लथू ला लैनी, मुछा भी कोई वड्डिया हो गई तेरी। चल ऊपर करो मुँह, मुँह तक चुक देखा, देखो होया कि नहीं होया। चलो कम से कम बेचारी अखा तो प्रेशर तो हटिया, देखो ऊपर करो, ऊपर करो चेहरे मुँह ऊपर करो। चल ठीक है, शैम्पू फेर लावांगे अंदर रहना, अंदर नहीं इधर पीछे, शाबाश अंदर ही रहो, मुंह ऊपर ला, मुंह देखो मुंह ऊपर ला, चलो मुंह ऊपर ला, इधर यार की करना। चल शैम्पू इसका वो टीयर वे इसका पेट का जिससे वो आंखों में नहीं लगता, वो वाला शैम्पू है। चल मैं ठीक है, मैं कह दूँगा चलो थोड़ा आज तीन दस्ते नहीं कभी भी शैम्पू कर दे नुआ दे दे बाहर जाता है और ज़्यादातर वो अब दिन हो गए तो मैं कह रहा हूँ जब तक लाइबान लेके जाना, मैं फिर यही करता हूँ जब बीच में गैप ज़्यादा हो रहा होता फिर मैं खुद दे देता हूँ शैम्पू। थोड़ा पीछे चल, तू मुँह कितना लुकाउन डे है खड़ा नहीं पा दे। चैटर को शावर दे रहे हैं तुम जायरा को, तो हम सोचे चैटर को ये भी बच्चे ही है ना बेचारे, इसको नहलाना तो होता है थोड़ा सा इसका। ओ यार ये ठहर जा, ठहर जा, तेरा राज्य नहीं आना, तुम्हें कुछ चाहिए? इधर आ जा, उन्होंने कंगा बहुत सुर गया, आप 24 घंटे तो लोग कर दे रहे थे, उन्हें भी तो चाहिए ना। ये असल एक्चुअली ब्रश नहीं गा, पर मैं क्या फिर भी कुछ तो चलो बाल दे कर ली तो सीधे रहन तेरा देखने च भी अच्छा लगेगा। चैडर ठीक है? चार चैडर लुक सो क्यूट, चैडर लुक क्यूट। चल बस ये कंगा उसके चैडर के बैग में ही रख दे।
गुड बॉय छोटे पापा, वाह भाई वाह। इधर नुमा, इस पास नुमा, कोम इधर नु कोम, दिस साइड बैठ, सेट सेट, शाबाश शाबाश बाबा, शाबाश बाबा, गुड बॉय छोटे पापा। लेकिन काफी सीधे हो गए वो, है कि हम जाते चू ना करे, मैं क्या करी जाओ वरना उसे वाल खिंचाने तेने। चुप चुप चुप, चल मुछा धरी, मुछे भी करो थोड़ी सी, मुछे नथु लाल की मुछे सीधी करो, नथु लाल जी की मुछे सीधी करो, चलो शाबाश। इत गल गला ये गर्दन भी थोड़ी निकल जान ना, शाबाश शर। चल और ट्रीट दी दे मैंने चुके हूँ इन दवा, और एक पीस नहीं आसवा खुश हो जाएगा, आज भी आसवा दे अखा च खालो, शाबाश चलो गुड जॉब। चलो चलो बाद च देना है अखा च ना, अजे भी वैक्स जी एक लग